श्री कल्याण पदयात्रा संघ की ओर से भाद्रपद शुद्ध छठ पर पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा गुलाबबाड़ी से प्रारंभ होकर मार्टन ब्रिज, मदार गेट, नया बाजार, आगरा गेट, घाटी वाले बालाजी होते हुए बीके कॉल नगर स्थित कल्याण मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में श्रद्धालु भगवान कल्याण के भजन कीर्तन करते हुए नजर आए, जिनका अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदयात्रा संघ के सदस्य राधेश्याम खंडेलवाल ने बताया कि पदयात्रा के मंदिर पहुंचने पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। गुलाबबाड़ी पदयात्रा संघ की तरफ से गुलाबबाड़ी से श्री कल्याण मंदिर ज्ञान विहार के लिए पदयात्रा निकाली गई है। ये भादवे से भी छठ को निकाली गई है और गुलाबबाड़ी से पैदल चल के ज्ञान विहार मंदिर में झंडा चढ़ाएंगे। कल्याण जी के मंदिर शुरुआत आज ही करी है। गुलाबबाड़ी से श्रीनगर होते हुए मजार गेट, अंदर से नया बाजार होते हुए घाटी वाले बालाजी से कल्याण विहार कल्याण मंदिर पहुँचेगी। वहाँ के भजन होंगे, भजन के बाद में प्रसादी होगी श्री कल्याण जी की याद में। पैदल यात्रा है गुलाबबाड़ी से शुरू होकर श्रीनगर होते हुए मदार गेट होते हुए नया बाजार होते हुए घाटी वाले बालाजी के से चित्रकूट धाम से पंचली चौराहा होते हुए ज्ञान विहार के पास से श्री कल्याण मंदिर पर पहुंचेगी। वहां पर जाके भजन संध्य भजन प्रोग्राम होंगे, उसके बाद प्रसादी होगी। सभी भक्तजनों की तरफ से है कल्याण पदयात्रा संघ गुलाबबाड़ी की तरफ से है। बेल एंड पॉप अप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन, दिनांक 1st to 2nd October 2022, स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर, समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637।